सब गाइस अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? खैरियत से होंगे? वेलकम टू अनदर व्लॉग। सो गाइस, काफ़ी दिनों के बाद मैं आया। मैंने काफ़ी दिनों के बाद व्लॉग बनाया, बिकॉज़ रीज़न ये थी कि मेरे पाँव में बहुत गंदा इन्फेक्शन हो गया था, फंगल इन्फेक्शन जिसे कहते हैं। इस एरिया में देखो, ये टोटली इन्फेक्शन हो गया था मेरे पाँव में, तो जिसकी वजह से डॉक्टर्स ने कहा था कि आपने कंप्लीट बेड रेस्ट करना है, इसके ऊपर जोर नहीं देना। तो तकरीबन मैं 10 से 12 दिन हो गया मैं घर ही हूँ, मैं कहीं नहीं गया। सो गाइस, आज मैं उठाऊँ, कल बल्कि ऐसा दिन था कि मैंने कहा यार उठूँ, ज़रा वर्किंग करूँ थोड़ी सी, चलूँ फिरूँ। तो बोर हो गया था 12 दिन से बैठ 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 के। तो अभी मैं जा रहा हूँ शॉप, सो मैं रेडी होता हूँ, फिर चलते हैं। मैं शॉप पे पहुंचा, ये देखो। देखो टोटली सैलाब वाला मोटरसाइकिल भाइयों, ये मामू कह रहे हैं, वो बड़े मामू। पुराने कपड़े 10 रुपए 20 रुपए की मदद करें, मदद करें, मदद करें, मदद करें। जब भी मैं शॉप पे आया हूँ तो जो है, जैसे अभी आपने देखा, मेरे मामू ने ना एक कैंप लगाया हुआ है, एक बड़े मामू जो पॉलिटिशियन है, तो अब सैलाब वालों के लिए कैंप लगाया हुआ है। एक जो आए हुए हैं बलूचिस्तान से, हम उनके पास फोर्ट में रुक गए थे, तो उनको भी कुछ इमदादी सामान दिए। और अब अल्लाह अल्लाह करके मैं आया हूँ। इस टाइम मेरा पाँव बिल्कुल दर्द कर रहा है बहुत ज़्यादा। कुछ दिनों बाद मैं शॉप पे आया हूँ, तो हमारे दुकान का एक जो यार जल्दी जल्दी लपेट लो, हम लोगों ने ना यार ये कर रहे हैं, हम लोग अपना सिस्टम बना रहे हैं, हम लोग ये जो सफ़े हैं ये लोगों को दे रहे हैं, क्योंकि उनके लिए उनके पास बैठने की जगह नहीं है, तो हम उनको बैठने के लिए ना ये प्रोवाइड कर रहे हैं। चलें यार, हेल्प किसी भी तरह की हो सकती है। तो अब ये देखो, जैसे ये सफ़ है, इसी तरह प्रोवाइड कर सकते हैं हम किसी भी चीज़ को। इधर आ यार, मेरा पाँव दबा, मेरा ना आज अब फुल दर्द है पाँव में यार। ये ऐसा कोई काम चोर लड़का है, इसको जब भी काम बताओ ना अपना मुंह छुपा लेता है। अच्छा जा, एक काम तो कर, वो देखो सामने जो घोड़ा खड़ा है ना, उसे किस करके आ। दिन में चौथी दफा ब्लोर लग रहा है आज, मामू निशान नहीं है। चौथी मरतबा या पांचवी मरतबा? ये चौथी दफा है लग रहा है, जो हो जो 4 मरतबा पहले टाइम हो गया। कैंप लगा हुआ है अभी भी।